देखो मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN Entertainment। आज आप लोगों के लिए पूरे सेटअप का माल है जिसके अंदर आपको मोर, चकोर, फ्रीजन, तीतर बहुत कुछ मिलने वाला है, मुर्गियों का रोटेशन मिलने वाले, कबूतर मिलने वाले। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या हुआ? पसीनों पसीने हुए भाई, बहुत सख्त गर्मी है, बहुत ही सख्त गर्मी है। मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग बैठो एसी में, पॉपकॉर्न वगैरह, जूस वगैरह का लेके, और यहाँ जो आप लोगों की परचेजिंग के लिए चीजें हैं उनके देख के मजे लो। सही है ना? हम लोग खजल हो रहे हैं ना आप लोग, ये इनके लिए हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले भाई लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, फरमाइश के मुताबिक जो वीडियो बताई गई थी वो बन रही है अभी। अच्छा भाई, क्या क्या है आज हमारे दोस्तों के लिए आपके पास? हमारे पास फ्रीजेंट्स के अंदर काफी सारी म्यूटेशन में माल आ गया, उसके अलावा चकोरों के अंदर आ गया, मुर्गियों के अंदर काफी सारी म्यूटेशन है, मोरों के अंदर आ गया। अभी दिखाते हैं बाकी सारी चीजें। सबसे पहले इसके बच्चे निकले थे, कितने आए थे आपके पास इसके? यार असल में ये इतने ज्यादा पेयर है नहीं, असल में क्वालिटी बेस है, बर्ड्स बहुत थोड़े से हैं, तो इसके टोटल तकरीबन 8 बच्चे आए थे, वो बुकिंग पे थे, दे दिए थे। अभी माशाल्लाह से दोबारा से लेइंग वगैरह इसकी आई है, तो इसके दोबारा से बच्चे निकलेंगे, तो जो बंदा चाहिए होगा तो बुक वगैरह करवा ले, तो इंशाल्लाह इसके बच्चे दोबारा से आपको मिल जाएंगे। कितने में बुकिंग चल रही है इसकी मुराडा भाई? बुकिंग 4000 रुपए में हो जाएगा। 4000 में हो जाएगा। कितनी उम्र का देंगे बच्चा? मैं आपको 1.5 से 2 माह का करके दूंगा, वो के ऊपर है कितनी उम्र का लेना चाहता है। बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्या है? लेकिन इसके बच्चे इस टाइम पढ़े नहीं हुए इसके ऊपर, इसलिए हम मजीद बहस कर नहीं सकते इनके साथ। क्या दिखाएंगे अगला? नेक्स्ट आपको फ्रीजेंट दिखा देते हैं। गर्मी है बेइंतहा। ये वाला डोर ओपन करें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे। किसकी ब्रीड है अभी आपको बताते हैं, कंफर्म करते हैं। पहले दरवाजा बंद कर लेंगे, उड़ना जाए यहाँ से। इसको करेंगे ऐसे करके बंद। भैया ये जो बर्ड आपको नजर आ रहा है, जो बच्चा नजर आ रहा है, ये किसका है? ये प्योर ग्रीन जावा मेल है, लेकिन उसके साथ जो फीमेल लगवाई है वो सिल्वर पाइप की फीमेल है, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो ज्यादा गए हैं मेल के ऊपर। जो इनकी जो ऊपर से निकलते हैं ना ताज वगैरह, वो बिल्कुल ग्रीन जावा की तरह निकले हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रीन जावा के पट्टे पट्टियां नजर आ रहे हैं। इसका जो ताज है ऊपर वाला, जो कॉम है इसका, वो फैला नहीं हुआ, वो बिल्कुल सीधा ग्रीन जावा की तरह निकला हुआ है। अब मेन मुद्दा ये है कि इसकी गर्दन के चाने और इसकी हाइट, ग्रीन जावा पे जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन ये आपको बहुत ही मुनासिब है। ग्रीन जावा कितने का बच्चों का पेयर मिलता है? इसके अंदर जो बड़े बच्चे हैं ना, वैसे कितने का मिलता है ये ग्रीन जावा? किस प्योर ग्रीन जावा की बात कर रहे हैं? प्योर ग्रीन जावा आपको तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए पर पीस मिलेगा 1 मंथ तक। ये प्योर के स्प्लिट है, ये कितने के मिलेंगे? ये आपको 25,000 रुपए में पेयर बन जाएगा, जोड़ा मिलेगा। जहाँ एक लेना वहाँ दो मिलेगा। ब्रीड करके इसमें प्योर भी निकल सकते हैं दोनों, और पाइड भी निकल सकते हैं, दोनों निकले। वो डिपेंड करता है कि आपकी लक कैसी चल रही है। अगर तो अच्छी लक चल रही है तो भाई बहुत अच्छी चीज निकल आएगी, नहीं चल रही है तो ऐसी तो निकल ही आएगी जो कि आपके सामने इस टाइम। बाप इनका प्योर है और माइंड जो है इनकी सिल्वर पाइड है। पाइड में आपके लिए हो गई है। अब क्या दिखाने लगे हैं हम? अब आपको चकोरे दिखाते हैं, और चकोर की तरफ आप चार रहे हैं, और आपको दिखाने लगे हैं चांद चकोर। पहले हमने दिखाया था आपको, कौन सा चकोर था वो? मस्कती चकोर, मस्कती था। ये चांद नहीं है, ये अल्बिनो चकोर, अल्बिनो है, लेकिन इसके भी चांद यहाँ पे बना हुआ ना साइड पे। जी बना, मेन तो होता है चांद बना होता है जी। सही है जी। अभी हम आपको दिखाने लगे हैं अल्बिनो, चलो व्हाइट कह लेते हैं, इसके कहने पे कह लेते हैं व्हाइट कह लें। इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। बात तो एक ही, अब नहीं बच्चा मार रहा, क्या कर सकते हैं। चलो यार अंदर चलते हैं। यार वो क्या सीन हुआ आजकल जो हो रहा है, चकोर कह के तीतर दे रहे हैं? इस तरह का सीन होता है, चकोर और तीतर के अंदर ना दोनों, व्हाइट तीतर के ज्यादा डिमांड की जाती है, चकोर की भी डिमांड की जाती है, लेकिन तीतर की ज्यादा है, जिस वजह से ना चकोरों को कुछ लोग तीतर बना के डील कर रहे हैं। लेकिन तीतर और चकोर के अंदर डिफरेंस होता है कि जो सफेद तीतर होता है उसकी चूंच सफेद होती है, और जो अल्बिनो चकोर होती है इसकी चूंच रेड होती है। वो क्या? नहीं जाता नहीं, जाने की टेंशन नहीं है उसको, समझ भी नहीं। मैं समझा दूंगा, जो हम लोगों ने दिखाए थे बहुत बड़े सेटअप चकोरों के, नहीं सॉरी तीतरों के, उनकी चोंचें थी व्हाइट कलर की, पेपर व्हाइट थे, उनको कलर नहीं था, हल्का फुल्का पैचेस होंगे, लेकिन उम्र के साथ वो खत्म। लेकिन जो ये है इसकी चोंच है रेड कलर की, क्योंकि इनको पता नहीं होता, तो जो जानते हैं, जो जानकारी लगते हैं उनके लिए तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आम बंदे के लिए फर्क नहीं है। अब इसके ऊपर पूरे जिस्म पे पैचेस हैं छोटे छोटे, लेकिन जो वो होता है उसके ऊपर भाईजान पैचेस वगैरह नहीं होते, वो पेपर व्हाइट होता है, बिल्कुल पेपर व्हाइट होता है, बहुत खूबसूरत है इससे। यार आपको तीतर वाले सेटअप पे लेके जाएंगे ना, आपको तीतर वाले सेटअप पे जाके आपको तीतर वगैरह दिखाते हैं ना सारे, और वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे बड़ा सेटअप है, और पाया भी पूरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में ही जाता है, उसके अलावा कहीं पाया भी नहीं जाता ना, मस्कत में पाया जाता है ना कहीं किसी। तीतर जो है ये डेजर्ट का बर्ड है, और हम जिस इलाके में रहते हैं बेसिकली डेजर्ट ही है। मेरा जो लोकेशन है फतेहपुर है, या इधर इधर से 10 किलोमीटर आप साइड पे जाओगे जैसे प्रॉपर डेजर्ट शुरू हो जाते हैं। अब आता शोर, इसकी वजह हमें रोकनी पड़ी अपनी वीडियो। लेकिन एक और वर्किंग है जो आपको दिखाने लगते हैं, इनको भी बताओ किसकी बात कर रहा हूँ, क्या दिखाने लगे हैं? फ्रीजेंट्स की। अरे भाई साहब को पता है यार, फ्रीजेंट्स की वर्किंग दिखाने लास्ट वीडियो के अंदर
हमने बताया था क्या पेयरिंग लगाई थी? हमने लगाया रीव्स का मेल है, सिल्वर की मादियां। और पहले पेयरिंग दिखाते हैं, पेयरिंग दिखाते हैं आपको। कुछ बच्चे इन्होंने रोक लिए हैं, दो बच्चे, बाकी इन्होंने दे दिए सारे के सारे। तो अभी आपको पेयरिंग दिखाते हैं। यहाँ पर पेयरिंग भाईजान चल रही है, रीव्स का मेल है, जो की अभी आपको पता है बिल्कुल जितने भी बर्ड है सारे के सारे मोल्ट है और छड़े पड़े हैं इस टाइम। तो इसकी भी कंडीशन आप बहुत अच्छी ना समझे, इसका मेल है और सिल्वर की मादियां। सिल्वर आप लोगों ने देखा जिसके मुंह के ऊपर पूरा एक नकाब होता है, उसकी मादी और रीव्स का मेल है। रीव्स की टेल बहुत लंबी होती है, सिल्वर की टेल होती है, गोल दोनों होते हैं, साइज में बड़े। अब दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या है इसका। इसके मुंह पर जो आप देख रहे हैं ये है भाईजान इस टाइम दोनों की दोनों फीमेल, और जो ये है मेल। ये दोनों दोनों अलग ब्रीड है, सेम ब्रीड नहीं है। इन दोनों की आपस में ब्रीड कराई गई है, बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है जो मादी है, और मेल का कलर आपने देख ही लिया। अब इनकी जो आगे रिजल्ट है वो आपको दिखाते हैं। अभी हैं पट्टे प्रॉपर तैयार नहीं हुए, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी बन गई है फिर भी। हाँ हाँ, किन फैमिली से तलक है? ये जो सिल्वर है ना। हाँ हाँ ये देखें, अभी आपको दिखाते हैं। ओए होए खुल जाए यार। अब जो मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है कि इसकी टेल रीफ जैसी है, फेस इसका हो गया सिल्वर जैसा। अगर ये नर होंगे तो बड़े होकर कर जाएंगे खुद की बॉडी को व्हाइट। अगर ये इसमें, क्योंकि मुझे छेद नजर आ रहा है टेल में, ये दोनों नर होंगे। मैं दिखाता हूँ, मैं करीब से दिखाता हूँ। जो बड़े वाला पीस है ना, ये तो नर है। अच्छा, इसकी टेल के अंदर देखें तो सिल्वर शेड आपको नजर आ रहा है। पैचिस इसके रीव्स वाले हैं, पैचिस इसके रीव्स वाले हैं, फेस इसका सिल्वर वाला है, फेस सिल्वर वाला है, पैचिस रीव्स वाले हैं। अब देखें निकलता क्या, कितने महीने में होंगे तैयार? दो महीने, तीन महीने और? अभी तो तकरीबन चार पाँच महीने और लगेंगे, चार महीने के अभी हैं ये तकरीबन। चार महीने और लगेंगे, अभी चार महीने और लगेंगे फिर प्रॉपर। और इसका फेस बिल्कुल सिल्वर जैसा बना है यार, बड़ी यूनिक चीज बन गई है वैसे माशाल्लाह। अभी तक किसी ने पंगा लिया नहीं था, पहला पंगा पड़ा है ये। कोई नहीं, हम अगली बार आए ये भाई साहब बेच के बैठे हूँ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह करने, ये खुद करेंगे, ये अपने लिए रखोगे? अपने लिए रखेंगे। इसका हमने पूरा रिजल्ट देखना कि बनता क्या है, इसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर अब इसको आप लगाना सिल्वर की मादी के साथ एक और, एक और रीव्स की मादी के साथ, देखते हैं ना पहले निकलता क्या। ये नर हैं दोनों, दोनों नर निकल, इंशाल्लाह ताला दोनों नर हैं। और इसकी जो न्यू आगे पेयरिंग होगी वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, वो फिर थोड़ा खुल के सामने आएंगे बर्ड्स अपने ना उसके अंदर। आपको स्वीनों का पेड़ नजर आ रहा है इसके साथ, वैसे तो ज्यादा लोग दो फीमेल लगाने लग गए हैं, पहले एक लगाते थे जी, अब दो लगाने लग गई हैं। ये क्या सीन है इसका, ब्रीड ब्रूड आई है? इसके कुछ बच्चे आए हैं लेकिन वो पहले से बुक है, वो नहीं मिल सकते। अच्छा, दूसरी ब्रीड्स के अंदर बच्चे पड़े हुए हैं, उनमें मिल सकते हैं, सिल्वर वगैरह के अंदर है या रीव्स के अंदर या गोल्डन के अंदर पड़े हैं वो मिल जाएंगे। स्वीनों के अंदर अभी बच्चा नहीं पड़ा। नहीं, स्वीनों के अंदर बच्चा नहीं पड़ा, लेकिन इनके पास दो पेयर पड़े हैं ना स्वीनों के। अच्छा, स्वीनों की दो फीमेल एक जगह पड़ी हुई हैं, अरफान भाई के, फुरकान भाई के पास। अगर उठानी है तो उनसे आप रब्ता कर लेना। चलें देखते, सही है ना? ये देखें, क्योंकि इनको भी अपने दे देते हैं अपने शौक शौक में पहले, उसके बाद खुद ढूंढते फिरते हैं। कस्टमर आ जाए, मेहमान आ जाए ना दूर से सफर करके, अभी कोई बंदा गुजरात से आया, पिंडी से आया, दूर से आया, फिर ऐसे बंदा मना भी नहीं कर सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, फिर खुद ढूंढने पड़ते हैं, किसी के पास होते हैं तो फिर ले लेते हैं। देखें ब्लैक मनारका, ऊ मनारका वाला है जी, ये चाहिए किसी को तो ये भी आपको मिल जाएगा। कितने में मिलेगा ये? बीडर पेयर 20 तक का बनेगा। बच्चे हैं इसके? बच्चे भी पड़े हुए हैं। बच्चे चाहिए हो बच्चे ले लो, बड़ा चाहिए हो बड़ा ले लो, जो आपको पसंद हो। इसे तीन माह के बच्चे पड़े हैं, वो तकरीबन 5000 तक का पेयर बन जाएगा। कितने बच्चे हैं इसके अंदर? तकरीबन 10 से 12 बच्चे। सारे बच्चों का रेट होगा? लाट का मिक्स उठाएगा तो वो तकरीबन आपको 4500 तक का पेयर लग जाएगा। सही है, ये किसी के समझ में आता है? अब तक इस तरह से होगा? मेरी जो लोकेशन है फतेहपुर लैया, फतेहपुर मेन सिटी में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लैया। कोई भी बंदा आना चाहे आए, बर्ड्स पसंद करके लेके जाए। अगर उन्होंने अपने घर में मंगवाने हैं, डिलीवरी करवानी है तो डिलीवरी भी पॉसिबल है। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है 0311 33 29 278 03 11 33 29 707। अगर किसी भी भाई ने हसन भाई से वीडियो शूट करवानी हो, अपने फार्म की प्रमोशन करवानी हो, अपने बर्ड्स दिखाने हो, तो वो हसन भाई से रब्ता करने के लिए मुझसे रब्ता करे, मैं आपको हसन भाई का नंबर दे दूंगा, फिर आप हसन भाई से अपने फार्म की वीडियोस वगैरह बनवा सकते हैं।